नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के नेता बाबूलाल दुलट पर जानलेवा हमला हुआ है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के बाटड़ा नाव गांव का मामला है। ये गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने हमला किया है। राजनीतिक रंजिश बताया जा रहा है मामले की वजह, हमला करने का आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक रंजिश। और आपको जानकारी दें कि हमले में बीजेपी नेता बाबूलाल दुलट बुरी तरह से घायल हुए हैं और अस्पताल में इलाज उनका जारी है। तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के बाटड़ा नाव गांव में बीजेपी के जाजोद मंडल अध्यक्ष बाबूलाल दुल्लट पर 4 से 5 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने हमला किया है और इस हमले में बीजेपी के नेता घायल हो गए हैं। घायल बीजेपी नेता को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां पर इलाज उनका जारी है। बीजेपी नेता बाबूलाल दुल्लट पर हमले की सूचना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, बीजेपी के नेता दिनेश जोशी, नवरंग चौधरी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल में पहुंचे। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक रंजिश के चलते हमला करने का आरोप लगाया है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के गांव बाटनाऊ में आज भारतीय जनता पार्टी के जाजोद मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल जी दुलट के साथ राजनीतिक द्वेषता के तहत हमारे मंडल अध्यक्ष अपने खेत से घर जा रहे थे, तब रास्ते में इनको रोक कर 4-5 गाड़ियों के साथ गाँव के पूरा सरपंच सहित अनेक लोगों ने इनके साथ मारपीट की। 4-5 गाड़ियां थी, उन सब लोगों ने एकत्रित होकर इसके साथ पीछे से, ये स्कूटी पे जा रहे थे, पीछे से इस इन पे प्राणघात हमला हुआ। फिर वो मारपीट करके भागे आसपास। जब लोगों ने होल्ला सुना तब आए, इनको हॉस्पिटल में लेकर आया। आज ये विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के साथ जो मजबूती से लोगों की भावनाओं के लिए जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ जो घटना हुई वो हम वर्षक इसकी निंदा करते हैं। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए जगदेव सिंह पवार इस वक्त जुड़ चुके हैं सीकर से, सीधा लाइव लिए चलते हैं उनके पास। जगदेव, क्या ये पूरा मामला हमले की वजह क्या बताई जा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो हमले की जो वजह बताई जा रही है वो आपसी जो है चुनावी रंजिश बताई जा रही है। पीछे जो विधानसभा के और पंचायत समिति के जो चुनाव हुए थे उसको लेकर के रंजिशवश जो है ये हमला करने का जो आरोप लगाया जा रहा है भाजपा नेताओं की ओर से। यह कहा जा रहा है कि इस मामले पूरे मामले में जो है जाजोद के पूर्व जो सरपंच है उस पर जो है जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि बीती शाम देर शाम जब जाजोद के भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल दुल्लट अपने खेत जा रहे थे, इसी दौरान जो है रास्ते में करीब 4 से 5 गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने उन पर हमला किया है। और हमले में जो है बाबूलाल दुल्लट पर जानलेवा हमला करने के दौरान उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, वही हाथ तोड़ दिया गया और बाबूलाल गुर्जर के जो है काफी चोटें भी इसमें लगी है, जिसके चलते उसको पहले लक्ष्मणगढ़ के अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, फिर वहां से जो है सीकर रेफर किया गया। जब भाजपा के अन्य नेताओं को इस मामले का पता चला तो बड़ी संख्या में जो है सीकर शहर के एसके अस्पताल में जो है भाजपा के नेता पहुंचे। उनमें जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया थे, पूर्व सांसद जो है सुमेधानंद सरस्वती, इसके सहित जो है अन्य जो भाजपा के दिग्गज नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो बड़ी संख्या में जो है शहर के जो एसके अस्पताल में पहुंचे थे हालचाल जानने के लिए बाबूलाल का। इस दौरान जो भाजपा के नेताओं का कहना है कि ये पूरा जो घटनाक्रम किया गया है वो एक राजनीतिक जो रंजिश के तहत जो किया गया है, इसी के तहत जो भाजपा नेता पर हमला किया गया है। और इस तरह के हमले जो है आगे जो है भाजपा कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। अगर जल्द से जल्द आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाजपा नेताओं ने बड़े आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इसको लेकर आपको बताना चाहूंगा, लक्ष्मणगढ़ पुलिस जो है बीती रात से ही लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जगदेव तमाम जानकारी के लिए। तो राजनीतिक रंजिश हमले की वजह यानी कि आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। और अगली खबर जान लीजिए।